सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो दो पार्ट में अपलोड होगा और एक पार्ट तो अपलोड मॉर्निंग का हो ही गया है, आप लोगों ने देख भी लिया है। और जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट जो है वो कल सुबह मॉर्निंग में होप अपलोड होगा। पहला पार्ट अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से उसको एडिट करके एक्सपोर्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में। वैसे आराम से हो गया, सब कुछ फिट है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त है। और सेकेंड पार्ट वाला वीडियो और अमेजिंग है, मस्त है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय श्रीमान, कुछ खाली ही नहीं बना रहा।
मत। राष्ट्रगान चल रहा है, हिलिए मत, उधर ही रहिए। Yeah.
जैसा कि आप लोगों ने देखा परेड की परेड काफ़ी लंबा था। मैंने बोला था कि आप लोगों से कि परेड काफ़ी लंबा चलेगा, समथिंग आधे घंटे या 45 मिनट का, और उतना ही लंबा चला। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, सभी लोग अब जा रहे हैं, परेड की समाप्ति हो गई हो। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि भाई परेड पूरा कंटिन्यू करना किए रहना तो वो तो जाहिर सी बात है कि पूरा परेड दिखाना पड़ेगा ही, क्योंकि परेड को मैं कट नहीं कर सकता। इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो अगर नेक्स्ट पार्ट में हो जाए या मतलब एक ही पार्ट में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वैसे मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो एक ही पार्ट में हो और अच्छा हो, मस्त हो काफ़ी। और एक अलग से ये वाला जो परेड का मतलब का बस ये परेड था, तो ये एक अलग से ये स्पेशल परेड का ब्लॉग रहेगा, इसको मैं स्पेशल वीडियो में डालूँगा। ताकि मतलब जो लोग मतलब बस परेड का वीडियो देखना चाहें स्पेशली, तो वो चीज़ वो देख सकते हैं अच्छे से, आसानी से। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने शाम के डेस्टिनेशन पे। जैसा कि फैमिली गाइस आप लोग देख सकते हैं, अभी परेड ख़त्म हुआ है, तो सभी लोग सर लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी सेल्फी ली, बहुत मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यार वास्तव में ये सब मोमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वास्तव में बहुत अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। ये फीलिंग कभी मैं बयां नहीं कर सका, मतलब बेस्ट ऑफ द मोमेंट ये है हमारे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मोमेंट्स लिव कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का काफी मन था, लेकिन मेंटली नहीं, मैंने भी ये तो देख सो फाइनली गाइस अब हम चलते हैं रूम पर। और जैसा कि आप लोगों ने परेड देखा, काफ़ी अच्छा लगा, कुछ मतलब सर लोगों से भी मुलाकातें हुई, गपशप हुई, बातें चीत हुई, काफ़ी अनुभव मिला, काफ़ी सब कुछ मिला, इतना अमेजिंग, वास्तव में बहुत वंडरफुल था। मतलब ऐसे क्या होता है ना कि ऐसे मोमेंट्स कभी खोना नहीं चाहिए। अगर आपके पैसे भी लगते हो चाहे जो भी हो, आपको ऐसे मोमेंट्स हमेशा ले लेना चाहिए, बहुत मज़ा आता है, वास्तव में बहुत मज़ा आया। और अब हम चलते हैं रूम पर। और जैसा कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, इंडिया से कुछ भी सामान आता है बांग्लादेश जाने के लिए, तो ये बगल में जो हम लोग जा रहे हैं, ये बगल में ही जो है पोर्ट है, ये यहाँ पर वो सामान आता है फिर लद कर। जैसे इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उसी तरह अंदर भी बॉर्डर है, मतलब मुझको अलाउ नहीं था, मुझको अलाउ था लेकिन वीडियो अलाउड नहीं था, तो इस वजह से उसको एक्सप्लोर कर नहीं कर पाया। तो मतलब वहाँ से भी दोनों देशों के मतलब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सामान लद कर आता जाता, मतलब काफ़ी अच्छा है, एशिया का सबसे बड़ा वो पोर्ट है। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिला। तो अब हम चलते हैं रूम पे और मिलते हैं वहीं पे। ये हमारे सनौला भाई जो कि जवानिया से बिलोंग करते हैं, जवानिया से हो ना भाई, जवानिया पड़ोसी है भाई। तो भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की, बहुत ज़्यादा, तो तहे दिल से शुक्रिया भाई का। और इन फ्यूचर जब भी हम ये मोमेंट्स देखेंगे तो हम दो भाई हमेशा याद आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और भाई के मैं स्टे किया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं सबका थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा जो ये जिनकी वजह से ये मोमेंट्स मुझे मिले। हाँ, हालांकि 90% इसमें मेरा भाई योगदान है, क्योंकि भाई मेहनत करके तो मैं ही ना आ रहा हूँ।
एक चीज़ और बताते रहा हूँ कि जो सर थे मैं मिला था, जो लोग परेड मतलब करा, जो परेड का हेड मतलब हेड सर थे, तो उनसे मैं काफ़ी टाइम तक मतलब हमारी बात नहीं हुई। तो वो पूछे कि कहाँ से हो, तो मैंने बोला सर यूपी में, तो बोले यूपी में कहाँ से, तो बोला गाजीपुर से। तो सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि का करेला मतलब अच्छा लगा कि ये सर लग रहा है अपने एरिया के, तो भाई वो उतना तो खुशी होगा कि भाई गाजीपुर का भी कोई वीर है जो इस पोजीशन पे है। गाजीपुर के ऐसे बहुत से वीर हैं जो भाई, गाजीपुर तो पूरे वीरों की धरती है भाई, तो उसकी क्या टेंशन है, बहुत लोग ऊपर तक हैं। तो वो बोले कि अरे बेटा जाके माई बाबू का हाथ हटावा का ही कुल घुमत हुआ। फिर पीछे वाले सर लोग थे, वो बोला अरे नहीं ठीक है, मजाक कर रहा है, तुम सही काम कर रहे हो, अच्छा बना करते रहो। बहुत अच्छा लगा है बातचीत करके, बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैंने परेड देख के अभी आ रहा था, तो यहीं पे फिर से दोबारा मतलब इसी मतलब भाई के अंकल के मतलब शॉप पे ही मैं रुक गया था, और यहाँ से अभी अभी मतलब सुबह से ही खा के गए थे, तो मतलब भूख लगी थी, तो अभी मतलब बिरयानी खाए हैं और बिरयानी खा के खा लिए हैं, और अब निकलते हैं। लगभग 8-9 किलोमीटर की राइड और बची हुई है, तो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6 बज गए हैं और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो हाजी बिरयानी का मालिक हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं, हाजी बिरयानी के ऑनर हैं मालिक और नहीं असली ऑनर तो अंकल जी हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अमेजिंग रहा सब कुछ, जो ये मोमेंट थे काफ़ी अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। तो ठीक है चलते हैं, और जैसे ही पहुँचेंगे फिर उसके बाद एक न्यू अपडेट देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैं रूम पर आ गया हूँ, और अब काफ़ी ज़्यादा आज राइड तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात हो गई थी, 7 बज गया राइड करते या करके आने में, क्योंकि 5:30 बजे के समथिंग तो वहाँ पे परेड ही ख़त्म हुआ था, तो फिर परेड को कंप्लीट करके आने में काफ़ी टाइम हो गया। और दूसरी बात यह है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो वीडियो 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट कल मॉर्निंग में पड़ेगा 8 बजे, और दूसरा पार्ट है जो वो नेक्स्ट डे 8 बजे मतलब पड़ेगा। तो मतलब 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा, तो एक पार्ट में कल और एक पार्ट में परसों। तो ठीक है चलिए, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे फिर से नए एडवेंचर में। यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, तो ठीक है वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नया एडवेंचर में फिर से। तो तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अभी तक चैनल पे बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।